गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे सब लोग, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। और गाइज 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, तो जिस जिसने भी सब्सक्राइब कर लिया है उनको तहे दिल से बहुत सारा थैंक यू है। और आप लोगों का सपोर्ट है, प्यार है, तभी हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की और अच्छा अच्छा कंटेंट लाने की। तो जो भी वीडियोस देख रहे हैं उन्होंने अगर नहीं करा है तो वो भी सब्सक्राइब कर लें, बहुत एक्सक्लूसिव कंटेंट आने वाला है। बहुत सारा फर्स्ट इन दिल्ली, फर्स्ट इन इंडिया चीज़ें भी हम आपको शोकेस करेंगे। और एक चीज़ गारंटी है गाइस चैनल पे कि जो भी चीज़ मैं दिखाऊंगा, जो भी चीज़ शुभम और मैं दिखाएंगे वो टॉप क्वालिटी की होगी। बेकार चीज़ और बेकार क्वालिटी की चीज़ हम कभी भी इस चैनल पे शोकेस नहीं करेंगे, ये पूरा प्रॉमिस है। और जो भी चीज़ें हम दिखाएंगे उसका बाद में रिव्यू भी देंगे, ऑनेस्ट रिव्यू देंगे, उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है। कोई भी प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ बुराई सब में होती है, तो सारी चीज़ें हम दिखाएंगे। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी ज़रूर कर ले और बहुत मज़ा आने वाला है। बाकी गाइज इंस्टा की आईडी भी हमारी एक्टिव हो गई है, तो इंस्टा पे भी जाके आप फॉलो कर लो। और जो कोई भी गाइज अपनी गाड़ी या बाइक को फीचर करना चाहता है हमारे चैनल पे तो वो भी हमें इंस्टा पे डीएम कर सकता है, और हम अपना वीकेंड्स वगैरह कभी पे भी टाइम वगैरह सेलेक्ट करके हम मिल सकते हैं और एक वीडियो बढ़िया सी बना सकते हैं। तो बाकी गाइज आज की वीडियो जो रहने वाली है, आज आपने अगर नहीं देखी चैनल पे तो मैंने गाड़ी में अपनी होंडा सिटी में, उसी में बैठा हूँ अभी, तो उसमें एक एंड्रॉयड स्टीरियो लगवाया था जो कि हमारा ड्रिवन कंपनी का रहने वाला है। तो अभी मेरे को ऑलमोस्ट एक महीना हो गया है इसे यूज़ करते हुए, तो अब मैं इसका पूरा फीडबैक देने वाला हूँ कि कैसा ये स्टीरियो चल रहा है, इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं, बाकी स्टीरियोज के कंपैरिजन में कैसी इसकी परफॉर्मेंस है, तो वो सारी बातें करेंगे। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन में मैं उसका लिंक डाल रहा हूँ, वो भी आप चेक कर लेना। बाकी एक छोटी सी क्लिप मैं उस वीडियो की यहाँ पे डाल देता हूँ कि एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या है और जो उसका बॉक्स वगैरह है, बॉक्स में क्या क्या आता है, वो सब चीज़ें आप देख लो एक बार, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम इसमें लगा रहे हैं जो सबसे टॉप एंड इसका आता है कॉन्फ़िगरेशन, ड्रिवन कंपनी का T5 सीरीज का मॉडल, प्रोसेसर 4GB रैम, 64GB हार्ड डिस्क विद वायरलेस एप्पल कारप्ले, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो। ठीक है, ये गाइस आप देखो स्टीरियो ये रहने वाला है हमारा, दिस इज 10 इंचेस। और होंडा में आपको दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं ना भैया, 9 और 10 दोनों होंडा में लग सकता है। सिटी का फ्रेम सिर्फ 10 इंच 10 में ही आता है, तो इसमें 10 ही लगता है। ठीक है, तो ये 4th जन वाली होंडा सिटी है गाइस हमारी, तो ये तो स्टीरियो रहने वाला है। बाकी भैया इसकी क्या खासियत है, स्क्रीन क्वालिटी कैसी है, ग्लास की क्वालिटी क्या रहेगी इसमें? ग्लास इसमें गोरिल्ला ग्लास ही आता है, तो स्क्रैच रेजिस्टेंट भी होता है, शैटर प्रूफ भी होता है। सेकेंडली आपका इसमें IPS डिस्प्ले आता है, HD पैनल आता है, स्क्रीन रेजोल्यूशन इज वेरी गुड, फुल HD वीडियो प्लेबैक आप कर सकते हो। प्लस T5 होने की वजह से ऐप लोडिंग टाइम बहुत कम है, लैग ही नहीं है, फास्ट चलता है काफी। ठीक है, तो गाइज मैं आपको एक बार बॉक्स और चेक करवा देता हूँ। तो ये बॉक्स रहने वाला है इसका, भैया मॉडल नंबर हमें दिख सकता है कहीं? इसमें एक्चुअली मॉडल आपका बेसिकली ये होता है पीछे, दिस इज T5 10 इंचेस, तो ये प्रोसेसर के हिसाब से होता है, एंड दिस इज 4GB रैम प्लस 64GB आपका हार्ड डिस्क। तो ये गाइस आप देख सकते हो 10 इंचेस में हमारा ये रहने वाला है, 4GB 64। तो गाइस प्रोडक्ट की वीडियो आपने देख ली होगी, अब मैं आपको लुक चेक कराता हूँ सबसे पहले कि स्टीरियो लगने में। तो आप यहाँ पे देखो, तो ये हमारा 10 इंचेस का है जैसे कि आपने वीडियो में देखा, ड्रिवन कंपनी का, और होंडा सिटी के लिए 10 इंच का फ्रेम ही आता है, तो इसमें बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। और एक बार मैं आपको लाइट जला के दिखाता हूँ, बिल्कुल स्नग फिट आता है होंडा के लिए स्पेशली। आप देखो इसमें 1mm का भी फ्रेम और स्टीरियो में गैप नहीं है, स्टीरियो कहीं से भी उठा हुआ नहीं है। बाकी गाइस सबसे पहले बात करते हैं इसके UI की, तो UI आप देखो बहुत ही क्लीन है, 4 आपको यहाँ पे बटन्स मिल रहे हैं, नेविगेशन, रेडियो, ब्लूटूथ, वीडियो, और काफ़ी क्लीन UI मेरे को ओवरऑल इसका लगता है। इसके हम ऐप्स में भी जाएं अगर, तो यहाँ पर भी आप देखो काफ़ी क्लीन है। तो काफ़ी सारे ऐप्स हैं जैसे कि Spotify हो गया, और हमारा प्राइम वीडियो हो गया, Netflix हो गया, YouTube हो गया, तो ये सारी ऐप्स मैं पिछले 1 महीने से इसमें टेस्ट कर रहा हूँ, चला के देख रहा हूँ क्या इसमें दिक्कत आ रही है, क्या अच्छाई है। तो सबसे पहले गाइस बात करें इसके टच रिस्पांस की, तो यहाँ पर आप देखो कि टच इसका काफ़ी अच्छा है,
मतलब मेरे को ज्यादा प्रेस नहीं करना पड़ता और आराम से ही, जैसे जितना आप प्रेशर फोन पे लगाते हो अपने, उतने में ही ये आप देख सकते हो प्यार से वर्क करता है। तो पहली चीज गाइज हो गई टच रिस्पॉन्स। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं कि ऐप का जो लोडिंग टाइम है, तो अभी हमने पर्टिकुलरली ये मॉडल इसलिए ही सेलेक्ट करा था क्योंकि इसमें T5 प्रोसेसर आता है और एंड्रॉइड्स में अभी T5 बेस्ट प्रोसेसर चल रहा है मार्केट में, तो सबसे फास्ट है ये, 4GB रैम के साथ आता है। तो इसमें जो लोडिंग टाइम है ऐप्स का वो काफ़ी कम है। तो यहाँ पर आप देखो, मैं यूट्यूब पे क्लिक करता हूँ, एक बार मैं बंद कर देता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। तो ये मैंने ऐप क्लोज कर दी है, तो ये देखो गाइस इंस्टेंटली हमारा ये लोड हो जाता है इसमें। और यहाँ पर मैं कोई भी अगर आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाऊं, तो ये देखो, तो काफ़ी फास्ट है इसका जो भी रिस्पांस आता है हमारा, और कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी चीज़ की। सेकेंडली जो मैंने इसमें ऐप्स टेस्ट करे हैं, क्योंकि यूट्यूब तो जनरली सारे एंड्रॉयड्स में ढंग से चल ही जाता है, बट जो हमारे थोड़े भारी ऐप्स होते हैं, जैसे हमारा प्राइम वीडियो हो गया या हमारा नेटफ्लिक्स हो गया, तो वो भी इसमें देखो आप कितनी जल्दी लोड हो जाता है इसके अंदर, और स्क्रीन में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, प्रॉपर चलती है। बाकी एक गाइस इसके डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, तो वो बेसिकली रहने वाला है हमारा जो कि इसकी ब्राइटनेस है। तो अभी ब्राइटनेस दिन में तो कोई इशू नहीं आता है, सॉरी रात में तो कोई इशू नहीं है ब्राइटनेस के अंदर, प्रॉपर आप वीडियोस देख सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो। बट दिन में जो नॉर्मल यूआई है वो यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप कोई वीडियो वगैरह प्ले कर रहे हो, तो मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ी सी और ब्राइटनेस होती तो ज़्यादा इसमें मज़ा आता। हालांकि ड्राइविंग करते वक्त मैं तो इतनी वीडियो नहीं देखता, बट अगर कोई मान लो साइड में बैठा है या कोई पीछे बैठा है, तो दिन में वो इतना इंजॉय नहीं कर पाएंगे जितना कि वो रात में स्टीरियो के साथ कर पाएंगे। सेकेंड दिक्कत गाइस जो मेरे को लगी है, वो लगी थोड़ा कैमरे के, बैक कैमरे के साथ। तो वीडियो में आपने पुरानी जो मैंने होंडा की वीडियो डाली थी जब स्टीरियो लग रहा था, उसमें आपने देखा होगा कि हमने ब्लॉपंग का एक कैमरा लगाया था इसमें, तो वो कैमरा तो गाइस बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं निकला इसके साथ, और बिल्कुल भी उसमें क्लैरिटी नहीं थी और कुछ भी ढंग से नज़र भी नहीं आ रहा था। फिर मैंने इसमें अपग्रेड कराया एक AHD कैमरा, तो हमारा मोको का एक कोई एंड्रॉयड स्टीरियो आता है जो मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया है, उसकी भी जो हमने बुलेरो में लगवाया है, तो बुलेरो वाली वीडियो भी गाइस देख लेना, उसमें जो मोको का हमारा स्टीरियो आता है उसके साथ AHD कैमरा आता है। तो अभी कोई एक कस्टमर थे जिन्होंने वो एक बैक कैमरा नहीं लगवाया था, तो वो मैंने भैया से ले लिया था और वो मैंने इसमें डलवाया है AHD कैमरा। तो अभी उस कैमरे के साथ क्या है कि उसकी क्लैरिटी तो सही है, दिन में वो अच्छा परफॉर्म करता है, बट मैं आपको चेक कराता हूँ कि उसमें इशू क्या आ रहा है। तो यहाँ पे गाइस आप देखो, अब मैं रिवर्स गियर डाल रहा हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो ब्लरी लाइन्स सी आपको दिख रही है बीच बीच में, ये इसमें अभी एक कंटिन्यूस इशू बना हुआ है। और जब मैं ब्रेक मारता हूँ तो मैं वो भी आपको चेक कराता हूँ। तो ये देखो गाइस, मैं जैसे ही ब्रेक दबा रहा हूँ तो ये इसमें लाइनें आ जाती है। तो अभी मेरे को भी ढंग से टाइम नहीं मिला है इसको चेक करवाने का, और अभी हमारे भैया भी थोड़े बिजी चल रहे हैं, तो ये मैं जाके चेक करूंगा, या तो कोई सेटिंग्स होंगी जो जिससे ये ठीक हो जाएगा, या फिर हम देखेंगे कि फिर इसमें कैमरे का हमें क्या अपग्रेड करना है। तो फिलहाल यही बस एक दिक्कत है इसमें, एक थोड़ी सी ब्राइटनेस की है दिन के वक्त वीडियोस देखते हुए, और जो हमारा बैक कैमरा है वो अभी मेरे को एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है। वो हम अभी टेस्ट करेंगे जब मैं अभी थोड़ा फ्री हो जाऊंगा और भैया भी फ्री होंगे, तब इसको हम आराम से टेस्ट करेंगे। तो ओवरऑल गाइस यही मेरा रिव्यू है इस स्टीरियो का, काफ़ी पसंद आया मेरे को, क्लैरिटी बहुत अच्छी है स्क्रीन की, ऐप्स का लोडिंग टाइम बहुत कम है, बहुत फास्ट लोड हो जाते हैं, एक बार जब कोई भी वीडियो चल रही है तो जब तक आपका नेट प्रॉपर आ रहा है कोई दिक्कत नहीं आती, वीडियो चलती रहेगी आपकी। और जो टच की क्वालिटी है और जो इसका UI है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो ओवरऑल मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ इस स्टीरियो से। और ये जो स्पेसिफिकली मैंने लगाया 4GB 128GB रोम वाला, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें 2GB वाला मॉडल भी आता है, उसका आई एम नॉट श्योर कैसी परफॉर्मेंस होगी, बट वो भी अगर हमें किसी गाड़ी में लगाएंगे तो ज़रूर बताऊँगा।
तो बाकी गाइज यही थी आज की वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और गाइज मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।